सो गैस, अगर आप लोग वीवो के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और अगर आप लोगों के वीवो के फ़ोन में ऑटोमेटिक ही वॉल्यूम डाउन हो जाता है, तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। सो गैस, इस टाइप की अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि ऑटोमेटिक ही वॉल्यूम डाउन हो जाता है, तो सबसे पहले तो आप लोग अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करें, देन आप लोगों को सिस्टम अपडेट पे क्लिक करना होगा, और अगर कोई अपडेट अवेलेबल होगा तो सिंपल आप लोग अपने फ़ोन को अपडेट करें। कभी कभी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी में बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस टाइप के बग की वजह से इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो आप लोग अगर अपडेट करेंगे, हो सकता है अपडेट का फॉल्ट होगा, आप लोग अपडेट करेंगे तो काफ़ी चांस होगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। अगर अपडेट भी अवेलेबल नहीं है फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो लास्ट में आप लोग क्या सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, आप लोग अपने फ़ोन में सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करें, रीसेट ऑप्शंस पे जाइए, और आप लोग अपने फ़ोन की एक बार जो सेटिंग्स होती है उसे रीसेट कर दीजिएगा। उसमें क्या होगा, अगर कोई भी गलत एक्टिविटी हुई होगी तो सब सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, देन आप लोगों की प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगी। सेटिंग्स को रीसेट करने से आप लोगों का कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, आप लोगों को निश्चिंत रहना है। तो सिंपल आप लोगों को यह मेथड को यूज़ करना है, आप लोगों की प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।